नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे डेटा एनालिसिस के बारे में बात होता है कि डेटा बेसिस से हम किसी स्टॉक्स और ऑप्शंस या फिर इंडेक्स को कैसे ट्रेड करें, किसी स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करें, उसमें प्रॉफिटेबल कैसे हूँ, क्योंकि मार्केट में बड़े प्लेयर देखिए प्राइस एक्शन देखते नहीं, प्राइस एक्शन बनाते हैं और डेटा आप बड़े प्लेयर को है या छोटा प्लेयर का वो आप जो है हाइड नहीं कर सकते हैं। तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा बेसिस पे आज हम SBI की बात करेंगे कि SBI हमारा टारगेट क्या होगा, जिसके पास भी SBI है क्या वहां पर SBI में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या उसको होल्ड करना चाहिए, या फिर उसमें अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं तो वहां पे शॉर्ट करना चाहिए या लॉन्ग करना चाहिए। तो पूरे डेटा बेसिस पे बात करेंगे, एक एक सीट पे बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि यहां पे पूरे जो है मैं आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे, यहाँ आपको जो कैश का डेटा है उसके बेसिस पे बात करूंगा, फिर आपको इसके जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर हैं ऑप्शंस के डेटा में क्या है इसके बेसिस पे बात करेंगे। तो एक एक चीजें यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें, फिर पूरे स्टॉक्स में आपको SBI का क्या डेटा है ये पूरे हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए एक बार हम बात करते हैं सबसे पहले कि SBI का हमारा टारगेट क्या है। तो आप एक बार प्राइस एक्शन देखें यहाँ पे कि SBI अभी आपने क्या है, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ किए होंगे तो आप वीकली बेसिस पे देखें कि SBI क्या है, अपने टॉप पे है। पूरे SBI यहाँ पे तीन बार इस लेवल को टच किया और यहां से फिर क्या है नीचे आया। आप देखें वे 1, 2, ये भी 3 और ये 4, तो क्या तक बार बार अगर टक्कर मारते हैं तो क्या एक बार वो कमजोर होता है। तो अगर इस लेवल यानी 540 के ऊपर, अगर 550 40-45 के ऊपर अगर SBI निकलता है तो क्या है ऊपर निकल जाए। लेकिन इसको हम डेटा बेसिस पर बात करेंगे कि वो डेटा हमें क्या सपोर्ट कर रहा है, SBI यहाँ से बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा। लास्ट में आप देखें, लास्ट के वीक में जो है वो एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया और यहाँ पे वहीं की थोड़ी सी वॉल्यूम दिख रही है हमें, थोड़ी सी वॉल्यूम दिख रही है, लेकिन इसके ऊपर निकलना 560 कहिए, 550 के ऊपर निकलना इसको बहुत जरूरी है ऊपर निकलने का। अगर 550 कहिए, 550 के ऊपर निकलता है इसका नेक्स्ट टारगेट आपको फिर ऊपर के बहुत टारगेट हो जाएंगे। पहला आपको टारगेट आपको 638 का, फिर 700 का, फिर 800 का टारगेट दिखेगा, लेकिन 560 इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है ऊपर जाने के लिए। लास्ट में आप यहाँ पे अगर वीकली बेसिस पे देखें तो क्या थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम है वो यहाँ पे, लेकिन वाइंग की वॉल्यूम इसमें जो भी है वो ठीक ठाक है। तो यहाँ पे डेटा हमें क्या कर रहा है, मेन डेटा का इंपॉर्टेंस देखें। चलिए हम अब डेली बेसिस पे देखते हैं इसका प्राइस एक्शन की डेली बेसिस पे क्या कर रहा है। तो SBI में आप देखें जो वॉल्यूम है लास्ट के, वो थोड़ा सा एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है यहाँ पे, जब आया था जब भी इसका लेवल नीचे के ऊपर यानी आपको 510 के ऊपर आ रहा है तो क्या ये आपको एक जो है डिमांड जोन हो जा रहा है। पहले ये सप्लाई जोन का काम करता था, अभी यहाँ पे जैसे 510 आया, देखिए यहाँ पे क्या है सप्लाई जोन लगता था, फिर आपको 440 के ऊपर एक डिमांड जोन था इसका, यहाँ पे 440 के ऊपर इसका एक डिमांड जोन था, लेकिन अभी 440 से डिमांड जोन शिफ्ट होकर आपको क्या है 510 के ऊपर आ गया। जो पहले क्या है सप्लाई जोन था वो अभी 510 एक डिमांड जोन हो गया, अभी यहाँ इसकी सप्लाई जोन 540 के ऊपर रह गया। तो एक बार 540 के ऊपर यहाँ हमें देखना जरूरी है कि यहाँ से ये रिवर्स बैक करता है नीचे या फिर यहाँ से ब्रेक अप करके आपको 600 और 640 के ऊपर जो हमारा टारगेट वाला है वहां तक पहुंच जाता है। ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है, इसको आपको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखें पहले जो भी था 540 इसका हमेशा क्या है सप्लाई जोन रहा है, अभी ये अपना सप्लाई जोन के पास एक बार पहुंच गया है, लेकिन इसके जब आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे है यहाँ पे सेलिंग की वॉल्यूम बढ़ती थी, आप यहाँ पे देखें जो भी इस लेवल के ऊपर है यहाँ पे जो भी सेलिंग की वॉल्यूम है वो बढ़ जाती थी। यहाँ पे देखें यह सप्लाई जोन है, ये पूरे सेलिंग की वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाती थी लेवल की, लेकिन इस लेवल पे अभी सेलिंग की वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ पे नहीं हुई है। आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम, सॉरी मैं हट गया, मैं वॉल्यूम यहाँ पे लगा देता हूँ आपको, और वॉल्यूम के साथ मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो है वो सप्लाई का अभी जो वॉल्यूम नहीं आया है। तो ओवरऑल हमें डेटा यही इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम बेसिस पे थोड़ा सा हमें वेट करना होगा कि इंडिकेशन एक बार हमें मिल जाए, फिर हम देखेंगे। लेकिन आपको एक बार हम इसके डेटा बेसिस पे ले चलते हैं कि डेटा बेसिस पे क्या हो रहा है। चलिए हम ऑप्शन चेन में चलते हैं, SBI के ऑप्शन चेन, फिर हम इसके कैश में भी देखेंगे। तो ऑप्शंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो मनी फ्लो है आपको कॉल के साइड थोड़ा सा ज्यादा है, इसको 1600 करोड़ का है, पुट साइड थोड़ा सा आपको फोड़ने के लिए यानी यहाँ पे दोनों तरफ, लेकिन ITM के पास क्या है पोजिशन थोड़ा सा कॉल की तरफ क्लोज हुआ है, पुट की तरफ थोड़ा सा है। OTM पे ये क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी OTM पे इनकी राइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इस प्रकार आप देखें कि ये अभी 530 जो 5 है ये अभी ATM का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो 540 के ऊपर एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे राइटिंग किया है, 540, 560 और 580 के ऊपर भी आप यहाँ देख सकते हैं ये जो राइटिंग है ये वो बहुत अच्छा खासा रहेंगे। आप पुट साइड इन द मनी में कहीं पे भी पोजिशन
ज्यादा नहीं है। आप ये देखिए कहीं भी पोजिशन बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि कॉल चार्ट में थोड़ा सा पोजिशन क्लोज होता हुआ दिखाई। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर अपना पोजिशन बुक कर रहे हैं, एक बार इनको लग रहा है कि यहाँ पे एक बार पोजिशन बुक होना चाहिए, और उनके लेवल के ऊपर जब एक बार आएगा तो फिर वाई करेंगे। वो लेवल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो आप अगर कॉल के ओआई को देखें तो कॉल आई आपको 16,300 है, आपको 16,300 कॉन्ट्रैक्ट कॉल की तरफ है, पुट की तरफ 10,400 कॉन्ट्रैक्ट है। तो ओवरऑल कॉल की तरफ यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, और कॉल्स सीयूआई देखें तो 592 है और पुट की तरफ कम है, यानी आपको चेंज इन ओआई कॉल साइड थोड़ा सा ज्यादा है। आप ये पोजीशन जो देख सकते हैं, अब इससे बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें क्या, आईटीएम और एटीएम और ओटीएम, आईटीएम पे देखते हैं कि मैं क्या हो रहा है। तो आप अगर कॉल साइड की बात करें, कॉल के साइड जो सीयूआई है वो तो अगर कॉल साइड आईटीएम ओआई, तो आप देखें आईटीएम की तरफ कॉल ओटीएम ओआई, आईटीएम सीयूआई जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है, यानी यहाँ पे क्लोज पोजीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कॉल की तरफ। ये आप पोजीशन देखें पूरा जो है वो पोजीशन क्लोज हो रहा है, बड़ा बड़ा नंबर, लेकिन आपको थोड़ा सा आप नंबर दिखेगा यहाँ जो 6975, ये आपको नंबर 520 के ऊपर, 510 520 के ऊपर, तो 530 के ऊपर अभी आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ देख 2021 कॉन्ट्रैक्ट अभी बना है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्लोज हुआ है, 1400 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड भी है, लेकिन कॉल साइड कॉन्ट्रैक्ट अभी हैवी है। 540 के ऊपर देखे 39,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 3900 कॉन्ट्रैक्ट मान करिए, यहाँ पे 10,000 है। तो यहाँ पे एक बार रिवर्सल दिख रहा है मुझे कि थोड़ा सा नीचे 500 के ऊपर जाता है फिर, लेकिन ओवरऑल यहाँ पोजीशन जो बन रहा है वो कॉल की तरफ ज्यादा पोजीशन बन रहा है, डेटा हमें वही इंडिकेट कर रहा है। तो आप अगर अलग अलग एटीएम ओटीएम के जब डेटा देखेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। कॉल ओटीएम की बात करें तो देखिए यहाँ पे 11,398 कॉन्ट्रैक्ट बना है, पुट साइड कम है यहाँ पे 2,600, कॉल साइड ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉल ओटीएम सीयूआई के पास ओटीएम में देखें तो कॉल की तरफ है ओटीएम में भी ज्यादा है, आपको पुट की तरफ ओटीएम में कम पोजीशन बना रहा है। तो ओवरऑल यहाँ से हमें एसबीआई बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे नहीं दे रहा है, मैक्सिमम आपको 540 545 तक जा सकता है, और उसके बाद फिर एसबीआई में रिवर्सल आ सकता है। और वॉल्यूम बेसिस पे देखिए, यहाँ पे आप वॉल्यूम बेसिस पे देखें तो कॉल साइड भी ज्यादा वॉल्यूम है, ये हम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ बड़े प्लेयर कॉल साइड ज्यादा है, और इन ओआई आपको इन द मनी ओआई कॉल साइड ही ज्यादा है, आउट ऑफ द मनी भी कॉल साइड ज्यादा है, जो हमें यहाँ डाटा पे निकाल के देख रहे हैं अलग अलग सेपरेट। तो हमें डेटा यही इंडिकेट कर रहा है आपको, मनी फ्लो भी आपको देखें ओटीएम साइड के कॉल साइड के ज्यादा है, और पुट साइड थोड़ा सा यहाँ पे पोजिशन क्लोज हुआ है, इसलिए आपको इन द मनी मनी फ्लो कॉल साइड निगेटिव दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जो इसका डेटा है वो आपको बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, डेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है एसबीआई, और डेटा भी हम यही सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, इसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के डेटा से भी कोरिलेट करेंगे। तो ओवरऑल आप एटीएम के पास जब भी देखें तो ये आपको दोनों तरफ आपको देखना जरूर होगा कि आपको एटीएम के आसपास क्या एक्टिविटी चल रही है दोनों तरफ, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो सीट है इस पे हमारा क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो ओवरऑल अभी आपको जो एसबीआई का डेटा देखेंगे यहाँ पे, तो एसबीआई में जो डिलीवरी परसेंटेज और डिलीवरी आपको है यहाँ पे अभी थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जब भी नीचे में था 520 के ऊपर 510 के ऊपर आता है यहाँ पे, ये इस लेवल के ऊपर डिलीवरी क्वांटिटी क्या होता है बढ़ जाता है। जब भी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बड़े प्लेयर क्या करते हैं 510 के पास आसपास इसमें एंट्री करते हैं, और हमें एंट्री वो दिख भी जाता है। आप यहाँ पे देखें 520 के ऊपर 510 के ऊपर जब भी आया है यहाँ पे एंट्री एक अच्छा खासा आया, यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज इसकी बढ़ गई। आप ये डाटा देख सकते हैं 5 जो 8 है ये है 510 है, यहाँ पे क्या है इसकी जितनी भी डिलीवरी परसेंटेज बढ़ जाती है यहाँ पे हमेशा, तो यहाँ पे हमारे बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं। ये क्या है एक जो है आपको एक डिमांड जो रहता है और सप्लाई जो, जैसे यहाँ पे 5 आपको 28 5 35 40 के ऊपर आता है यहाँ पे भी डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा यहाँ पे कम होने लगता है। तो बड़े प्लेयर क्या आता है थोड़ा सा इसमें 540 के ऊपर ले जाकर उसको सेल करते हैं। और ओवरऑल अभी आप देखें तो सेम प्रोसेस हुआ है यहाँ पे भी, यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज दो दिन से नहीं आ रहा है 536 है, लेकिन बड़े प्लेयर यहाँ पे एक्टिव है, यानी बड़े प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। और आप 3 डेज का एवरेज देखें इसका डिलीवरी परसेंटेज का तो 39 है, जबकि यहाँ सेम 39 और 32 पोजिशन आ रहा है। तो ये डेटा हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ डिलीवरी बेस बाइंग नहीं हो रहा है, डिलीवरी बेस बाइंग नहीं हो रहा है इसमें। डिलीवरी बेस आपको क्या है जो 514 के ऊपर यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे देखे डिलीवरी 519 510 के यहाँ पे डिलीवरी बेस बाय हुआ था। तो ये एक बार हो सकता है कि और नीचे टच करे आपको 510 520 के ऊपर, फिर हम डेटा देखेंगे क्या कर रहा है। सेम पोजिशन में आप देखें कि यहाँ पे जब भी है कि लॉन्ग क्या है अनवाइंडिंग हो रहा है, और जो शॉर्ट है वो भी कवरिंग हो रहा है, लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप बहुत कम क्वांटिटी है,
शॉर्ट जो है वो कवर ही, तो ओवरऑल हमें फ्यूचर का डेटा भी वही इंडिकेट कर रहा है मिक्स कि जो भी आप थोड़ा सा पोजिशन लॉन्ग जो किए थे वो बुक कर रहे हैं यहाँ पे पोजिशन, ये जो लॉन्ग पोजिशन ये बुक किया जा रहा है ओवरऑल यहाँ पे, और जो शॉर्ट किए थे वो कवर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा तो ऊपर हमें इंडिकेट कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बहुत कम परसेंट है ये, तो ये हमें डेटा इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का जो नंबर है वो 13 है, लॉन्ग बिल्डअप का जो है वो 5 है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का 9 है और शॉर्ट बिल्डअप का 3 है। तो आपको जो आप ये अगर शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप का डेटा देखें तो ये मिला के 18 होता है और आपको ये 12 होता है, तो थोड़ा सा फ्यूचर का डेटा हमें ऐसे बुलिश इंडिकेट कर रहा है, स्लाइटली बुलिश इंडिकेट कर रहा है, लेकिन कैश और ऑप्शन का डेटा हमें बेयरिश इंडिकेट कर रहा है। तो हम मेजोरिटी की तरफ जाएंगे, प्राइस एक्शन भी वही इंडिकेट कर रहा है, जो डेटा बेस पे हमारा ये एनालिसिस हो रहा है वो ये कर रहा है कि SBI यहाँ पे एक बार होल्ड करना चाहिए और थोड़ा सा यहाँ से नीचे आना चाहिए। प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमने बता दिया कि हमारा क्या लेवल रहेगा, तो ओवरऑल अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो आपको एक बार वेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक होल्डिंग है तो आप उसमें से एटलीस्ट अपना प्रॉफिट का क्वांटिटी यानी हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिए और बाकी को आप ट्रेल करके रखिए 5-10 के ऊपर, जहां से कि एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ओवरऑल एक दिन और हम जो अभी कल जो मंडे को इसका होगा, अगर मंडे ये 540 के ऊपर हो जाता है 50 के ऊपर तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां से ऊपर जा सकता है। तो डेटा हमें यही इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, डेटा के बेसिस पे अपडेट करिए, एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिटेबल होगा। आपको अभी दिखाता हूं मैं, अगर आप इसके 3 महीने का पूरे जब डेटा आप निकालेंगे टर्नओवर क्या है और उसको एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा। आप देखें 3 डेज 5 डेज का हमने दिखा दिया था कि प्राइस उसी के आसपास हो रहा है, कहीं भी इंडिकेट नहीं हो रहा। सेम आपको क्लोजिंग प्राइस VWAP भी और डिलीवरी क्वांटिटी भी देखिए, जो डिलीवरी क्वांटिटी डिलीवरी परसेंटेज है वो उसी के पास आ रहा है 3 डेज 5 डेज आपको 8 डेज और 13 डेज। तो ये हमें डेटा इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बड़े प्लेयर यहाँ पे फाइव जैसे ही ऊपर आ जाता है आपको 545 के ऊपर वहां पे बड़े प्लेयर सेल करने लगते हैं अपना, तो डेटा बेसिस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं लग रही है दोस्तों। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन के लिए आपको देखिए बहुत अच्छा खासा हम यहाँ पे लेवल देते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे लोग भर भर के ज्वाइन कर रहे हैं और एक बड़े प्लेयर के हिसाब से ऑप्शन में क्या हो रहा है मैक्सिमम देखिए, डाउन साइड कहां तक जा सकता है बाउंस बैक का, ये आपको परफेक्ट लेवल आपको 513 के ऊपर टच किया, टारगेट ही 580 पावर ऑफ डाटा, ये तो प्रूफ राइटिंग कॉल 16,500 हेवीली। तो ये डेटा बेसिस पे हम पूरे ऑप्शन में यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या करते हैं कि अपडेट देते रहते हैं, तो आप जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इस पूरे डेटा को अगर सीखना चाहते हैं कि डेटा को कैसे अपडेट करना है, कैसे ऑटोमेट करना है, तो हमारा भी कोर्स आज से जो कल से स्टार्ट होने वाला है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे ऑप्शंस में एक एक सीट कैसे हम बनाते हैं जीरो से लेके एडवांस तक, उसमें क्या लॉजिक लिखना है, लॉजिक हमारा क्या होगा, वो पूरे डेटा बेसिस में यहाँ बताया जाता है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ है पर्सनली दोस्तों, आप ताकि आप मार्केट में इंडिपेंडेंट लर्न कर सके, डेटा बेसिस पे इंडिपेंडेंट लर्न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इस वीडियो के आधार पर बाय सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट न करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उन्हीं के साथ आप बाय सेल होल्ड करें। मैं आशा करता हूं कि आपका दिन प्रॉफिटेबल होगा दोस्तों। एक और मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि मैं अपने टेलीग्राम जो अपने कम्युनिटी टैब पे पूरे स्टॉक्स की जो भी आपको मल्टीवेगर स्टॉक्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं, यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। आपके कन्फिबेट 60 पहले दिया था भाई, अभी आपको 71 चल रहा है, आपको नेथन आया, तो ये पूरे स्टॉक्स जाके आप देख सकते हैं। ये अभी 355 के ऊपर चल रहा है, मान इंफ्रा 92-93 चल रहा है, तो ओवरऑल यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल वो कर सकते हैं, 100% आपको प्रॉफिटेबल यहाँ से हो सकता है आपका ट्रेड। तो हमारा जाके आप कम्युनिटी में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा स्टॉक्स यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कल मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए।